दिन से बुखार में लगता है, नीचे भी आज से शुरू होने वाला है। नहीं, ऐसी बात नहीं करो बेगम साहब, अल्लाह खैर करेगा। दो दिन मैंने इंशाल्लाह मौसम बेहतर है। दो दिन मैंने काम किया है, आप दो दिन तुम्हें करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो पहले इसको पानी पिला लें, दूसरी बात भी ले। तो जानवरों के बाहर निकालने का टाइम आ चुका है और सबसे पहला काम जो हम करते हैं छोटी बात की तरह। अस्सलाम वालेकुम, शहजादे भी पहुंच रहे हैं। मेरी हेल्प कौन करेगा आज? चलो पानी अम्मी जान को बाहर से खाल से पानी ले आओ, एक बाकेट ले जाओ। शाबाश जुहैब, तुम उस कट्टे को चुप कराओ। मैं कैसे चुप कराऊं? उसके साथ जाके बैठ जाओ ना थोड़ी देर के लिए, खुद बहुत तुमसे खेलने लग जाएगा। देखो कैसे आराम से, गर्मी जानवरों को भी ऐसे संभालने के बड़ा परेशान कर रही है। ये ले जाएगी, सुबह भी इनको नहलाते हैं और शाम को भी डेली। टोका कर लिया है हमने, टाइम भी असर का है। तो गर्मी इंशाल्लाह ख़त्म होगी और मैं भी, दो दिन बुखार आ गया था मुझे जिस दिन मैं बैठा था खाल के ऊपर, तो वो मुझे गर्मी का धक्का लग गया था ऐसे समझ लें। आज कुछ तबीयत बेहतर है, बेगम साहबा की हेल्प के लिए आज आ गया हूँ मैं। नहा लिया? गर्मी दाने कैसे हैं? पतले पतले कपड़े हैं, कपड़ा पहनने का मन नहीं करता। बेगम साहबा जो है ना किचन की सफाई कर रही हैं, अभी तक काम शुरू नहीं किया, गर्मी है। अभी टेम्परेचर है, अभी शुरू करते हैं। ये पत्ते जो है ना बेरी के पत्ते, ये देखिए। हाँ गर्मी है जी, अल्लाह खैर करेगा। नहा लिया? नहाओ ना तुम भी। बेगम साहबा जो है ना वो रेडी हो चुकी हैं और बड़ा सा फ्रैक्चर भी है, हार्ट भी चला ली है। और भी निकालूंगा थोड़ा रेस्ट कर करके, क्योंकि सारे बाहर सहन में पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह से फुट्टी भी आ गई, ये देखिए ये अगेती कपास। मैं बाहर पहुंचा हूं जी, हवा का कुछ हवा से सुकून लेने के लिए, क्योंकि अंदर तो हब्बस ने कमाल कर दिया है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। ये देखिए बगले भी आए हुए हैं चारे में और सूरज तकरीबन 40-45 मिनट बाकी है और बाहर की कंडीशन, मौसम कुछ ठंडा हो चुका है। सब्जा है हर तरफ लेकिन मौसम
गर्म, टेम्परेचर ज्यादा। कहाँ तक पहुँचा आपका बड़ा देखचा? बेगम साहबा ने इसमें चिकन डाल दिया है, प्याज ब्राउन कर लिए थे। हस्ब का नमक भी, दो दिन से बुखार लगता है मुझे भी, आज से शुरू होने वाला है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करो बेगम साहब, अल्लाह खैर करेगा। दो दिन मैंने काम, इंशाल्लाह मौसम बेहतर है। दो दिन मैंने काम किया है, अब दो दिन तुम्हें करना पड़ेगा। वैसे मुझे काम दो दिन मैं कर लूंगा, लेकिन ये बात मत बोलो कि गर्मी तो है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस साल हर साल से टेम्परेचर ज़्यादा है, और पिछले 8-10 साल से टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है, हर साल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अल्लाह रहमत करने वाला है, वो बेनियाज ज़ात है, इंशाल्लाह करम करेगा अपनी नस्ल इंसानियत पर, जो इंसान है इन पर। मगरब होने वाली है, लेकिन हवा बिल्कुल वैसे की वैसे रुकी हुई। ये होती है हवस। हमारे पास शाम का खाना पहुंच चुका है। बिलाखिर खुशी की खबर यह है कि महकमे मौसमियात ने बारिशें बता दी हैं और पूरे पाकिस्तान में बारिशें होने वाली हैं। ये हबस का खात्मा हो जाएगा। ये जो पसीना है, जो बीमार हो रहे हैं, और गर्मी दाने साकिब के, जुहेब के, पूरे मुल्क के बच्चों के, तो इंशाल्लाह इस बारिश में नहाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठंडी हवाएं चलेंगी। तो बहुत खुशी हुई जब ये आज ही खबर पहुंची है, नेट के ऊपर हमने देखा है। तो मैंने जब बेगम साहिबा को और साकिब और जैब को बताया तो ये भी बहुत खुश हुए कि 28-29 से ये सफ़र शुरू होगा और ये जाएगा अगस्त की 10-12 तारीख तक। कितना हो गया, 12-13-14-15 दिन। तो 15 दिन के अंदर कुछ दिन ऐसे समझ लें कि बारिश नहीं आएगी, कुछ दिन फिर बारिश हो जाएगी, तो मौसम ठंडा हो जाएगा वक्फे के साथ। तो बेगम साहिबा ने क्या खूब पुलाव बनाया है जी, और बिस्मिल्लाह करके खाओ बच्चों, खाओ बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह। जबरदस्त अच्छा बनाया पुलाव। तो मगरब की सलात तरफ से आपको बिल्कुल गुलाबी कलर के बादल नज़र आ रहे हैं, और परिंदे भी मगरब के होते ही दरख्तों पर आ जाते हैं। तो गर्मी की शाम, हबस की शाम का आज ऐसे संभलने के वीडियो का भी इख्तिताम करते हैं। मैं आप सबके लिए दुआगो हूँ, जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें, और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुंचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बेऔलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं, अगर किसी भी दुख तकलीफ में है तो अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ दूर करे, और मजदूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो ये ऊँच नीच तो होते रहते हैं, मौसम अल्लाह ताला की देन है, चाहे कोई भी मौसम हो। तो आप सबकी दुआओं ने दुआओं का असर हुआ और मौसम बदलने जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। पूरे गांव वाले खुश होंगे, हर तरफ बहारें आ जाएंगी, ऐसे संभलने ठंडक होगी। ये जो पिछला एक महीना गुजरा है तो अल्लाह ताला बस रहम करे, करम करे कि इतनी गर्मी मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में नहीं देखी थी, जो ये टेम्परेचर था कि सर फटने को आ जाता था। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।